नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कंप्यूटर एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने में जुटी सरकार, 3 अक्टूबर को होगी बैठक। जय प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कंप्यूटर और एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। वह 3 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। कमेटी में पंचायती राज मंत्री अनुज सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को सदस्य बनाया गया है। वह शिक्षा सचिव राकेश कंवर को इस कमेटी के सचिव है। बता दें कि सरकार ने 1300 कंप्यूटर और 2555 एसएमसी शिक्षकों से जुड़े मामले को सुलझाने के लिए कमेटी गठित की है। वह हिमाचल के स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक वर्ष 2000 से निजी कंपनी के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि एसएमसी आधार पर नियुक्त शिक्षक वर्ष 2021 से सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों का भविष्य आज भी सुरक्षित नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री ने इन शिक्षकों के लिए नीति बनाने का जिम्मा 3 कैबिनेट मंत्रियों को सौंपा है। कार्मिक वित्त विभाग से चर्चा के बाद बदलेंगे भर्ती के नियम, कसरत शुरू। जय प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कार्मिक और वित्त विभाग से चर्चा के बाद भर्ती के नियम बदलेंगे। शिक्षक भर्ती को 100 बच्चों की न्यूनतम संख्या की शर्त हटाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए नियम बनाने की कसरत शुरू कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्कू ने बीते दिनों पूर्व सरकार का फैसला पलटकर हजारों युवाओं को बड़ी राहत दी है। अक्टूबर के पहले दिन लगा महंगाई का झटका, एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम में 209 रुपये की बढ़ोतरी। जो अक्टूबर के पहले ही दिन लोगों को महंगाई का झटका लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में एक साथ 209 रुपये की बढ़ोतरी की है। हालांकि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर में हुई है। वही बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 1731.50 रुपये हो गई है। इससे पहले दिल्ली में 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 1522.50 रुपये में मिल रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को भी कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। शास्त्री भर्ती में मंडी को सबसे ज्यादा पोस्ट, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति को आवंटित नहीं हुए पद। जी, शिक्षा विभाग में टीजीटी, संस्कृत और शास्त्री के पदों पर विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र जारी किया है। वहीं जिला अनुसार शास्त्री के आवंटित पदों का ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि उपनिदेशकों को जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि अभी 9 जिलों को ही 494 पद आवंटित किए गए हैं, लेकिन 3 जिलों बिलासपुर, चंबा और लाहौल स्पीति को पद आवंटित नहीं किए गए हैं। वह शास्त्री के कुल आवंटित 494 पदों में से 50% बैच वाइज और 50% लोकसेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। बता दें कि शास्त्री के पदों पर बैच वाइज भर्ती विभाग जल्द शुरू कर देगा। वह सीधी भर्ती के लिए आयोग को रिक्विजेशन भेजी जाएगी। वह शास्त्री भर्ती के लिए सबसे अधिक मंडी जिला को 151 पद आवंटित किए गए हैं। टीजीटी शिक्षकों को ग्रुप बी में शामिल करें सरकार, राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से की मांग। राजकीय टीजीटी शिक्षक संघ उन्हें ग्रुप बी में शामिल करने की मांग सरकार से की है। संघ का कहना है कि पूर्व सरकार द्वारा टीजीटी शिक्षकों को ग्रुप बी की जगह ग्रुप सी में डालना अनुचित था। इस निर्णय को प्रदेश सरकार रिव्यू करें और टीजीटी शिक्षकों को वर्ष 2011 के रिवीजन को आधार मानकर ग्रुप बी में स्थान दें। वही 7 सितंबर 2022 को प्रदेश विभाग द्वारा इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें वेतन संरचना संशोधन अनुसार पदों को श्रेणी में विभाजित किया गया था। वह 3 मई 2001 के बाद यह संशोधन 1 जनवरी 2016 से नया वेतन आयोग स्केल देने को आधार मानकर यह संशोधन किया गया था। वह ग्रुप ए में वेतन स्तर 16 से 31, ग्रुप बी में वेतन स्तर 11 से 15, ग्रुप सी में वेतन स्तर 3 से 10 और ग्रुप डी में वेतन स्तर 1 से 2 शामिल किए गए हैं। वह बता दें कि टीजीटी शिक्षकों का स्केल वर्ष 2011 में पुनः संशोधित किया गया था, जिसमें उनकी ग्रेड पे 3600 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की गई थी। जिन श्रेणियों की ग्रेड पे टीजीटी से कम थी उनको भी अब ग्रुप बी में डाल दिया गया है, मगर टीजीटी को ग्रुप बी में अधिसूचित किया गया है। इस निर्णय को पलटने और टीजीटी के स्तर 10 को भी ग्रुप बी में शामिल करने की अपील राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार से की है। नगर निगमों के कर्मचारी अब इंटीग्रेटेड, म्युनिसिपल सर्विस एक्ट में संशोधन के बाद अधिसूचना जारी। जी, राज्य सरकार ने नगर निगम कर्मचारी को इंटीग्रेटेड करने की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार ने यह अधिसूचना जारी की है, जो 20 सितंबर 2023 से लागू हो गई है। इसके मुताबिक अब सभी 5 नगर निगम के कर्मचारी एक दूसरे में ट्रांसफर हो पाएंगे। इनमें नगर निगम शिमला, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन शामिल हैं। वह जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 37 कैडर के कर्मचारियों को इंटीग्रेटेड किया गया है।
आधार को राशन कार्ड में जोड़ने, ई केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने की तारीख बढ़ी। जे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां पर जानकारी दी कि राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है। ई केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंक आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हो। इस प्रक्रिया में आम जनता का विभाग को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गत दिनों में हुई भारी वर्षा व आधार से संबंधित तकनीकी समस्याओं के मद्देनजर विभाग द्वारा आधार संख्या पंजीकृत व ई केवाईसी करवाने की तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाई गई थी, परंतु अभी भी कुछ उपभोक्ताओं द्वारा किसी कारणवश उनके राशन कार्ड में उनकी आधार संख्या को पंजीकृत नहीं किया जा सका है। 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकाला, घर भेजे बर्खास्तगी के आदेश। जब प्रदेश सरकार ने 1844 कोरोना आउटसोर्स कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन कर्मचारियों को ईमेल के अलावा बर्खास्तगी के ऑर्डर पर घर भेज दिए गए हैं। वह पत्र में इन कर्मचारियों को अस्पताल में नहीं आने के लिए कहा गया है। वह कोरोना काल के दौरान इन कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। वह कोरोना वार्ड के अलावा अस्पतालों की ओपीडी में इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा लैब में मरीजों के टेस्ट करने का जिम्मा भी इन कर्मचारियों पर था। वह नौकरी से निकालने पर इन कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त था। वह मंगलवार को यह कर्मचारी सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलेंगे। कच्चे मकान के आंशिक नुकसान पर 25, पक्के के लिए 15 गुना बढ़ाया मुआवजा। जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के जख्मों पर महरम लगाते हुए कहा कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर को बनाने के लिए मिलने वाले 1,30,000 रुपये के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7,00,000 रुपये कर दिया गया है। अगर रियायती सीमेंट, बिजली और पानी आदि की मदद के रूप में इसे देखा जाए तो यह राहत राशि 10 से 12 लाख रुपये तक की मिलेगी। वह कच्चे घर को आंशिक नुकसान होने पर 4,000 रुपये के मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपये, जबकि पक्के घर को आंशिक नुकसान होने पर मिलने वाली 6,500 रुपये की धनराशि को 15.5 गुना बढ़ाकर 1,00,000 रुपये किया गया है। सुक्खू सरकार ने खोली झोली, 4,500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज घोषित। जे सुक्खू सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद हिमाचल में भारी बरसात से पीड़ित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज घोषित किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3,500 करोड़ रुपये राज्य सरकार अपने संसाधनों से खर्च करेगी और 1,000 करोड़ रुपये मनरेगा के तहत व्यय होंगे। वह सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 3,500 मकानों के निर्माण के लिए 7-7 लाख की मदद देगी। शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारियों को मिलेंगे पे बैंड और ग्रेड पे का लाभ। जय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारी को पे बैंड और ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश जारी किया है। वह बीते दिन न्यायाधीश सत्यन वेद की अदालत ने हमीरपुर निवासी सतीश गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में यह फैसला सुनाया है। वह शिक्षा प्रयोगशाला कर्मचारी संघ हाईकोर्ट के फैसले से गदगद है। वह प्रदेश में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 6,500 है, जिनमें से 4,800 स्कूलों और बाकी कॉलेजों में तैनात है। प्रदेश में हेल्थ एटीएम से होंगे रूटीन के टेस्ट, 20 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। जय, हिमाचल प्रदेश में अब हेल्थ एटीएम के माध्यम से लोग अपने रूटीन के टेस्ट करवा सकेंगे। वह सरकार ने प्रदेश के प्रमुख शहरों में हेल्थ एटीएम स्थापित करने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इसके टेंडर करने जा रहे हैं। वह एटीएम से मरीजों को 20 मिनट के भीतर टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इस आधुनिक तकनीक से जहां लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी, वहीं मरीजों को अस्पतालों में टेस्ट कराने के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। वह प्रदेश में पहली बार इस तकनीक का उपयोग हो रहा है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की 25 वर्षों तक खरीद करेगी प्रदेश सरकार। जे, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। हमीरपुर में रहेगा राज्य चयन आयोग, नोटिफिकेशन जारी, IAS पृथ्वी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्ति। जय, हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य चयन आयोग का मुख्यालय हमीरपुर में ही रहेगा। इससे पहले कर्मचारी चयन आयोग भी हमीरपुर में ही था, जिसे पेपर लीक के बाद भंग कर दिया गया था। इस अधिसूचना में कहा गया है कि नए आयोग का ढांचा, स्टाफिंग पैटर्न, बजट और भर्ती प्रक्रिया इत्यादि अलग से नोटिफाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 309 के प्रोविजो में दी गई शक्तियों के अनुसार किया है। इसमें कहा गया कि सरकारी विभागों में होने वाले भर्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी और मानव हस्तक्षेप रहित करने के लिए IT के बेहतर टूल्स का इस्तेमाल करके नया आयोग काम करेगा। वह लोगों का भरोसा लौटाने में भी इससे मदद मिलेगी। वह भर्ती परीक्षा में देरी को रोकना और कार्य क्षमता बढ़ाना भी मकसद होगा। यह आयोग ग्रुप सी की भर्तियां करेगा। छात्राओं को राहत, पीरियड्स में नहीं आना होगा कॉलेज, इस यूनिवर्सिटी ने की छुट्टियों की शुरुआत।
जे मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के लिए अमासिक धर्म के विशेष अवकाश की शुरुआत की है। ऐसे में छात्राओं को पीरियड्स के दौरान कॉलेज नहीं आना होगा। वही यूनिवर्सिटी के प्रभारी कुलपति डॉक्टर सेलेस एन हार्डी ने बताया कि स्टूडेंट बार एसोसिएशन समेत कई छात्राएं पिछले साल से मासिक धर्म पर अवकाश की मांग कर रही थी। इसी के मद्देनजर स्टूडेंट वेलफेयर डीन सहित हमने इस सेमेस्टर से मासिक धर्म अवकाश देने का फैसला लिया है। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर, छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को 6 साल का कारावास। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी कमलजीत पुत्र स्वर्गीय दुनी चंद निवासी गांव बलोही डाकघर खेरा तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा को 6 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000 रुपये जुर्माना नोट देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।